हुजूर सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का दौर है। खुद भी कमशनी के आलम में इल्म की तगोदो में लगे, वालिद भी मुफ्ती, दादा भी मुफ्ती। अभी आप रोजे के मुकल्लफ नहीं हुए, हद्दे बुलूगत को बालागत को नहीं पहुंचे, बालिग नहीं हुए, घर में रोजा कुशाई की तकरीब हो रही है, फिरनी के प्याले भर कर रखे हुए हैं, रमजान शरीफ है, क्या है भाई अहमद रजा की रोजा कुशाई है, सारा दिन हो गया कुछ नहीं खाया पिया, दरवाजे को दस्तक हुई, आला हजरत अंदर आए, वालिद आए, गेट बंद कर दिया, फरमाया अहमद रजा सुबह से भूखे हो, ये फिरनी का प्याला लो खा लो। अब एक मुफ्ती रोजा तोड़ने का मशवरा तो नहीं देगा ना, वालिद जानते थे कि रोजा फर्जी नहीं है, मुकल्लफ नहीं है रोजे के, तो लिहाजा ये खा भी ले तो कोई हर्ज नहीं है, तो आपने फरमाया ये खा लो, कहा मेरा तो रोजा है और लोग मेरी रोजा कुशाई के लिए आ जा रहे हैं, तो फरमाया वो देख थोड़ी रहे, तो आला हजरत जवाब देते हैं कि बाबा वो लोग नहीं देख रहे तो क्या हुआ, मैंने जिस रब के लिए रोजा रखा है वो रब तो मुझे देख रहा है। कमशनी में बच्चे की जबान से इसका निकलना इस बात की अलामत और दलील था कि ये बच्चे को आम न समझा जाए, ये वो है जो बड़ा होकर मुजद्दिद मियत हाजरा बनेगा, जो मसलक का इमाम बनेगा। तो जब अल्लाह ने मकाम देना होता गए तो फिर खाली के कायनात उन्हें महफूज रखता गए। तो हमारा अकीदा